गाड़ी की AGS टेक्नोलॉजी के लिए बात करते हैं। जब मैंने गाड़ी पहले शुरू में चलाई एक दो दिन, तो मुझे लगा कि शायद गाड़ी के गियर में बहुत ज़्यादा अनोइंग किस्म का लैग है और गाड़ी एक गियर से दूसरे गियर में जो शिफ्ट करती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इट्स जस्ट लाइक अ गल्प ऑफ अ वाटर, आप पानी पी रहे और आप एकदम बीच में उसमें ना बैठ जाती थी वो गाड़ी, और मुझे लगा कि बड़ी अजीब टेक्नोलॉजी है। देन आई डिड रिसर्च ऑन दिस और फिर मुझे पता लगा कि वो टेक्नोलॉजी में मसला नहीं था, मैं जो उसको यूज़ तरीके से कर रहा था वो गलत था। सो देर इज़ अ वे टू ड्राइव दिस AGS टेक्नोलॉजी। ऑटो गियर शिफ्ट में बेसिकली होता ही है कि आपकी एक मैनुअल ट्रांसमिशन है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है जो कि क्लच का काम कर रही है और वो गाड़ी का गियर चेंज करती है। सो जस्ट लाइक दैट, अगर आप मैनुअल गाड़ी में जब गियर आपने चेंज करना होता है तो आप रेस को छोड़ते हैं, क्लच दबाते हैं और फिर गियर चेंज होता है। तो समझ लें इसमें आपका क्लच नहीं है, बट आपने जब भी गियर शिफ्ट करना है और अगर आपको स्पीड में गियर शिफ्ट करना है और आप चाहते हैं वो गाड़ी बिल्कुल बैठे ना और नॉर्मल जिस तरह गाड़ी का गियर चेंज होता है हो, आप गाड़ी को फ्लोर कर रहे हैं एक दफ़ा, ये गाड़ी का RPM गया, लेट्स से आपने डिसाइड आपका आपके RPM है 3 पे आपने गियर चेंज करना है, आप रेस से थोड़ा सा पाँव उठाएँ और दोबारा रेस दें, गाड़ी बिल्कुल आराम से गियर चेंज कर लेगी। और अगर आप उसको गियर से पाँव नहीं उठाएंगे और आप उसको फुल फ्लोर करके रखेंगे तो गाड़ी जो है वो मैक्सिमम RPM तक उसको लेके जाएगी उस गियर को, और जब शिफ्ट होगा उससे गियर का तो वो कभी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि शायद गाड़ी गियर शिफ्ट करना भूल गई है या एक लैग हो रहा है। मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ। सो दिस इज़ नाउ आई एम फ्लोरिंग द कार और मैं अब इसको चेंज नहीं कर रहा, ये फुल RPM पे जा रही है और अब इसने जब गियर चेंज करना है तो ये आपको एकदम लैग फील होगा कि बैठ के गाड़ी एकदम उठी है। सो दिस इज़ द रॉन्ग वे। अगर आप इसको नॉर्मल तौर पर चेंज करना चाहते हैं, ये आप जा रहे हैं, लेट्स से मैं चौथे तीसरे गियर में हूँ, अभी मैं इसको तीसरे गियर में लेके जाता हूँ गाड़ी को ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि AGS हाउ वुड AGS वर्क। सो ये तीसरे दूसरे गियर में अब मैं जा रहा हूँ, मैंने इसको रेस दी, गाड़ी 3 RPM पे आई, मैंने उसको छोड़ा रेस को और दोबारा रेस दे दी, गाड़ी के अंदर चेंज हो गया गियर। सिमिलरली हल्का सा टैप, आप टैप डाउन करेंगे तो गियर चेंज हो जाएगा और ये 5वें गियर में चली गई है। सो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है अगर आप इसको आराम से सही तरीके से उठाएं। सिमिलरली अगर आप इसको लो रेफ पे चला रहे हैं तो गाड़ी में आपको गियर शिफ्ट बिल्कुल फील नहीं होगा, बट येस फॉर पीपल हु वॉन्ट टू फ्लोर इट अप, हाई रेफ करना चाहते हैं, उसमें आपको इस टेक्निक को समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लगेगा शायद गियर शिफ्ट में लैग है। अब AGS टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है ना वो बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसकी रीज़न ये है कि आपका नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है ना उसमें टॉर्क कन्वर्टर लगा होता है और उसमें एनर्जी वेस्टेज बहुत होती है जब आप गियर शिफ्ट करने लगते हैं। इस केस में आपका कोई टॉर्क कन्वर्टर नहीं है, एक एक्चुएटर जो है मोटर लगी हुई है गाड़ी के गियर बॉक्स पे और वो आपके क्लच का काम कर रही है। सो द मोमेंट यू टेक ऑफ योर फुट फ्रॉम द पैडल उसको सिग्नल जाता है कि आप गियर चेंज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो एक्चुएटर है वो उसको अगले गियर में एंगेज कर देता है। तो आपको विदाउट एनी लैग, विदाउट एनर्जी वेस्टिंग आपको गियर शिफ्ट भी मिल जाता है। और ख़ास तौर पे जो आपके AGS टेक्नोलॉजी, उसका फ़ायदा ये है कि जहाँ पे आपकी लॉन्ग ट्रैफिक जैम हो और आप गाड़ी मैनुअल नहीं चलाना चाहते, आप अपने पाँव को नहीं थकाना चाहते, तो AGS इज़ अ सोल्यूशन। एट द सेम टाइम वो आपको थकाएगा भी नहीं, आपकी लंबी कतारों में आप गाड़ी पर आराम से चला भी सकते हैं और आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो उसको भी इफेक्ट नहीं करेगा लाइक अ नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो सबसे पहली चीज़ जो आप AGS गियर बॉक्स के बारे में नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर 3 मोड हैं, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। अगर आप नॉर्मल ट्रांसमिशन देखें ऑटोमेटिक, उसमें पार्क की ऑप्शन भी होती है, बट इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सो आप न्यूट्रल में हैं, ड्राइव में हैं या रिवर्स में हैं। सो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपने गाड़ी के न्यूट्रल में रखना है, अगर आप इसको रिवर्स में भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे गाड़ी बीप देगी, स्टार्ट नहीं होगी। सिमिलरली अगर आप इसको ड्राइव में भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। न्यूट्रल में भी अगर आप गाड़ी नॉर्मल स्टार्ट करेंगे नहीं होगी, वो आपको साइन दे देगी, तो आपने ब्रेक पैडल पे अपना पैर रख के फिर इसको स्टार्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये नोटिस करनी पड़ेगी कि अगर आप AGS टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी को किसी स्लोप पे खड़ा कर रहे हैं तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि आपने इसकी हैंड ब्रेक लगाई हुई है, बिकॉज अनलाइक नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें पार्किंग का कोई गियर नहीं है और आप जब गाड़ी को न्यूट्रल में खड़ा करेंगे आपको गियर जो इसकी उसको हैंड ब्रेक को एंगेज करना पड़ेगा। एक और चीज़ अगर मैं इस गाड़ी के जो अगर ड्राइविंग मोड्स देखूं तो इसमें AGS में एक तो ऑटोमेटिक जो इसको AGS बोलते हैं ऑटो गियर शिफ्ट उसमें आप चला सकते हैं, दूसरा इसमें मैनुअल मोड भी है और मैनुअल मोड में मैंने इस गाड़ी के जो गियर शिफ्ट करके देखे हैं वो बहुत ही क्विक हैं। और मेरा क्लेम ये है, मेरे एक दोस्त हैं उनके पास मैनुअल भी है ये VXL और मैंने उनको कहा है कि मेरा क्लेम है कि मैं इस गाड़ी पे उनके साथ अगर रेस लगाऊं तो इस गाड़ी का जो गियर शिफ्ट है वो मैनुअल से तेज़ है एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि ये गाड़ी जो गियर शिफ्ट में मैनुअल गाड़ी को पीछे छोड़ देगी। हालांकि जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर सेम कार ऑटोमेटिक और मैनुअल में है तो मैनुअल गाड़ी जो है उसका गियर शिफ्ट ज़्यादा एफिशिएंट होगा और उसकी जो अगर ड्रैग करें आप दोनों गाड़ियों का तो जो मैनुअल गाड़ी है वो आगे जानी चाहिए। बट मेरे ख्याल से जो AGS टेक्नोलॉजी है इसमें जो गियर शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा क्विकली होता है और जो आपको क्लच दबाने का टाइम और उसका जो लैग है ना मैनुअल गाड़ी का, ये उससे बेहतर इसकी जो है ना गियर जो है शिफ्ट रेशियो उससे बहुत बेहतर है।
details only on PakWheels.